भारतीय नागरिकता पाने के लिए संघर्ष कर रहे पाकिस्तानी सिंधी शरणार्थियों का सपना आखिरकार पूरा हो गया। स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह पर मोदी सरकार ने उन्हें ये तोहफा दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम में 75 सिंधी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी गई। सिंधी समाज के ये नागरिक पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत में वर्षों पहले शरणार्थी के रूप में आए थे, जिन्हें आज भारत की नागरिकता देकर संपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। कुमार सजदे मेरा नाम है। 2011 में मैं इंडिया पाकिस्तान से इंडिया आया हूँ। वहाँ पर हमारे साथ बहुत अन्याय होता था। हमारी 100 एकड़ ज़मीन थी वो उन्होंने हड़प कर ली थी मुसलमानों ने। उसके बावजूद मैं ये दो राइस मिलें, दो आइस फैक्ट्रियां थी और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मैं तालके पर मेंबर भी था, उसके बावजूद मेरे साथ इतनी ज्यादतियाँ होती थी। उसके बाद अपन ने थोड़ा बहुत जो कुछ भी था बेचबाज के यहाँ पर आ गए। वहाँ पर मेरे 200-250 मुलाजम मेरे नीचे काम करते थे। उसके बावजूद यहाँ आकर हमें नरेंद्र मोदी जी का और शंकर लालवानी जी का हम अभागी हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पनाह दी। हम यहाँ पर बहुत खुश हैं। अब मैं प्रॉपर्टी ब्रोकरेज का काम करता हूँ। जितना भी मिलता है शुक्राना है। हम नरेंद्र मोदी जी को इतनी दुआएं देते हैं कि वो भगवान जानता है, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी आपका नाम रहेगा। नागरिकता मिलने के बाद सिंधी समाज के इन लोगों में काफी उत्साह और खुशी का माहौल है। इनके चेहरे पर खासी चमक देखी गई। नागरिकता पाने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और कहा ये सब मोदी के प्रयासों के चलते ही संभव हो पाया है। पाकिस्तान से आए हैं, वहाँ से आने का क्या कारण? 2005 में हम यहाँ पे आए थे। 17 साल हो चुके हैं हमें यहाँ पे आए हुए। और यहाँ पे आने का कारण सिर्फ यही था कि वहाँ के माहौल में हम नहीं रह पा रहे थे। वहाँ डर के जीना पड़ रहा था और बहुत सारी परेशानियाँ देखनी पड़ रही थी, चाहे वो बिज़नेस को लेकर हो या पढ़ाई को लेकर हो या रहने को लेकर हो। तो इसीलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा। इसका श्रेय मैं मेरी भारत सरकार को देना चाहूँगी, श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूँगी, जिन्होंने हमें इतनी अच्छे से और इजीली हमें नागरिकता प्राप्त करवाई है। वहीं इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी ने खुशी जताई है और कहा है कि शरणार्थियों की नागरिकता को लेकर केंद्र सरकार सरलीकरण काम लगातार कर रही है। जल्द ही और लोगों को ये सुविधा मिलेगी। हम जो केंद्र सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नागरिकता देने का जो सरलीकरण किया है, उसके अंतर्गत 75 वर्ष हो गए आज़ादी को और 75 लोगों को आज देश की नागरिकता दी जा रही है इंदौर में। ये वो सभी लोग हैं जो किसी न किसी कारण से हमारे जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान में प्रताड़ित होकर यहाँ आए हैं और लंबे समय से ये नागरिकता के लिए प्रयास थे। माननीय मोदी जी की सरकार ने, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में गृह विभाग ने इसका सरलीकरण किया और जो लंबे समय से लंबित थे वो प्रकरण धीरे धीरे नागरिकता के दिए जा रहे हैं। और मुझे आज जिस प्रकार का हमारी बहनों ने, छोटी बहनों ने जो बताया, सबके सामने बताया कि किस प्रकार की स्थितियां पाकिस्तान में हैं। गौरतलब है कि इंदौर में सिंधी समाज के शरणार्थियों की संख्या हजारों में है और ये लोग कई सालों से नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 75वें आज़ादी दिवस पर इनके सपने हकीकत में पूरे हुए। नागरिकता पाकर इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पंजाब केसरी के लिए इंदौर से सचिन बहरानी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।